फेस्टिव सीजन के पीक हफ्तों यानी दिवाली और फिर छठ पूजा ने देश की इकोनॉमी में नया जोश भर दिया है। हफ्ते दर हफ्ते भारत की आर्थिक रफ्तार को मापने वाला जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का इंडेक्स NIBRI पिछले दो हफ्तों से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। 14 नवंबर को खत्म हफ्ते में NIBRI 109.9 के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी प्री कोविड स्तर के मुकाबले NIBRI 10 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर है। इसके पहले 7 नवंबर को खत्म हफ्ते में NIBRI 107.7 पर था। जाहिर है फेस्टिव सीजन से शुरू हुई जोरदार आर्थिक तेजी अब वेडिंग सीजन के साथ फुल स्पीड पकड़ने को बेकरार नजर आ रही है। तो त्योहारी सीजन में विशेष तौर पर डिमांड बहुत अच्छी देखी गई है, मार्केटों में जोश है और उत्पादन भी धीरे धीरे ग्रोथ की ओर है। कृषि उत्पादन भी आप जैसी उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक चल रहा है, तो ये सब फैक्टर हमारी इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट देंगे। और जैसा रिजर्व बैंक ने उम्मीद की है कि हम 9.5% की ग्रोथ का जो टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे। 2022 के अंदर हम लोग करीब 11% की GDP की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट सिनेरियो के अंदर 21-22 के अंदर ये 9.6% के आसपास है। इसके पीछे दो कारण जो मुख्य माने जाते हैं। पहला कारण है कि जो फेस्टिवल पोस्ट फेस्टिवल जो सर्कुलेशन आई मार्केट के अंदर उससे एक इकोनॉमिक विस्तार देखा गया। दूसरा, माइक्रो और मैक्रो इंडस्ट्रीज के अंदर भी फॉरेन फंडिंग का एक बड़ा रुझान आने वाला है और आ भी रहा है, जिसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रेवोल्यूशन के रूप में निकल कर आती है। तेजी की इस बयार में चिंता पैदा करने वाली कई वजहें भी मौजूद हैं। नोमुरा के मुताबिक मौजूदा एनर्जी संकट और सेमीकंडक्टर की कमी से गिरावट का खतरा भी पैदा हो रहा है। इससे नोमुरा का 9.2% का विकास दर का अनुमान 1 परसेंटेज पॉइंट्स के घटने का डर बढ़ गया है। नोमुरा ने आशंका जताई है कि जिस तरह से IIP का डेटा आया है उसके बाद इसकी आशंका ज्यादा तेज हो गई है। सप्लाई साइड की दिक्कतों के साथ ही महंगाई दर भी मुश्किल बढ़ा रही है। इस खतरे को देखते हुए नोमुरा का मानना है कि दिसंबर में RBI रिवर्स रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा सकता है। इसके साथ ही 2022 में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का अनुमान नोमुरा ने जताया है। जिन इंडिकेटर्स के आधार पर नोमुरा का NIBRI अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उनमें शामिल गूगल वर्कप्लेस मोबिलिटी इंडेक्स में 20.3 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट आई है, जबकि रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स में 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन एप्पल का ड्राइविंग इंडेक्स 34 परसेंटेज पॉइंट्स उछल गया है। हालांकि श्रम भागीदारी 39.7% पर ही मौजूद है, जबकि बिजली की डिमांड 4 हफ्तों बाद 5.5% बढ़ गई है। दिवाली वाले हफ्ते में रिटेल डिमांड में 74% का इजाफा हुआ है। अब वेडिंग सीजन और फिर नए साल से जुड़े इवेंट्स के होने से इस डिमांड को ज्यादा मजबूती मिलेगी।